हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाना है बहुत आसान और बाजार से भी ज्यादा अच्छा और टेस्टी लड्डू आप घर पे बना सकते हैं बस चार इंग्रेडिएंट से। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 मीडियम साइज का नारियल है ये, इसे मैंने छील के इसका काला वाला पोर्शन निकाल के इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। यहाँ पे 4 चम्मच जो है चीनी लिया है, 700 ग्राम जो है मैंगो पल्प लिया है। अब पहले हमें नारियल को पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने नारियल को देखिए पीस लिया है, बिना पानी डाले मैंने इसे पीस लिया है। अब एक ग्राइंडर में डालेंगे हम चीनी, जो चीनी हमने लिया था, और उसके साथ साथ हम डाल देंगे मैंगो पल्प। यहाँ पे मैंने 1 केजी मैंगो लिया था, उसे छील के उसका पल्प निकाल लिया था। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब ये हमारा प्रिपरेशन हो गया है, तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे हम ये नारियल पिसा हुआ। कढ़ाई मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नारियल डालेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट के लिए भून लेना है। देखिए इसका सारा पानी जो है अच्छे से निकल चुका है, ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से, हल्का सा नीचे से ब्राउन भी होने लगा था। अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो पल्प जो हमने अभी बनाया था। अब इसे हमें मिक्स करना है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे जो है ऐसे ही चलाते रहना है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम जो है स्लो कर दिया था 2 मिनट के लिए। इसे जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर गैस का फ्लेम हम मीडियम रख देंगे। इसे हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। इस मिठाई को बनाने में टोटल 25 मिनट लगते हैं, बट जब ये एक बार बन जाती है तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। लगभग मुझे 15 मिनट हो गए हैं और ये इसका जो पानी जो है कम होता जा रहा है। थोड़ी देर में ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। जब ये इस तरह से दिखने लगे तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसको इस तरह से होने में लगभग 25 मिनट लग गए हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर जो है हलवे जैसा हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था, इसे हमें ठंडा कर लेना है। किसी भी आप प्लेट पे इसे निकाल के ठंडा कर ले। ये देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है और यहाँ पे ले लिया है मैंने गरी का बुरादा। तो आप ये ऑप्शनल है, आप के पास हो तो यूज करें वरना स्किप कर दें। हाथ में लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। अब हमें इसे लड्डू की तरह शेप देना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ये देखो ये लड्डू बन गया है। इसको हम अब कोकोनट में डाल देंगे, इस तरह से रोल करेंगे तो अच्छी तरह से इस पे जो है एक कोकोनट की लेयर लग जाएगी। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे लड्डू को बना लिया है। इसके ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है यहाँ पे पिस्ता, ये भी ऑप्शनल है, बट इससे देखने में जो है ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखता है। तो ये हमारे नारियल और आम के लड्डू बनके रेडी हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ये मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने ये रेसिपी पहले खाई है तो भी मुझे कमेंट करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।